ज्ञानकक्ष एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के स्पोकन इंग्लिश वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है आज हम लोग टेंथ डे दसवा दिन का वीडियो देख रहे हैं जो स्टूडेंट हमारे वीडियोस को लाइन से देख रहे हैं वो अभी तक वीडियो वन से नाइन तक देख चुके हैं टेंथ डे में वीडियो नंबर वन से लेकर नाइन्थ तक आप जो भी चीज़ें पढ़े हैं उनका हम लोग टेस्ट देखेंगे ड्रिल्स देखेंगे काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं और जो स्टूडेंट इस वीडियो को डायरेक्टली देख रहे हैं उनसे मैं कहूँगा पहले आप प्ले सेक्शन में जाइए ठीक है और प्ले सेक्शन में आपको रैपिड एक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का एक प्लेलिस्ट मिलेगा लाइन से सारे वीडियोस को वहाँ पे आप देखिए फिर यहाँ आइए ताकि आप और अच्छे से चीज़ों को सीख पाए तो आइए स्टार्ट करते हैं आप बिना रुके बिना झिझके साफ और सही अंग्रेजी बोलना चाहते हैं हर एक व्यक्ति यही चाहता है जो आज इस वीडियो को देख रहा है क्यों क्योंकि वो इंग्लिश बोलना चाहता है तभी तो आप यहाँ आए हैं रैपिड एक्स कोर्स का भी यही लक्ष्य है इसके लिए हम कुछ सुझाव नीचे दे रहे हैं उन्हें मानकर आप जल्दी और आसानी से अंग्रेजी भाषा सीख सकते हैं तथा बातचीत में कुशलता और आत्मविश्वास पा सकते हैं तो आपको क्या करना है पहला बातचीत के लिए एक साथी बनाइए आप किसी भी फ्रेंड के संग बैठिए ठीक है ध्यान से रेपिड एक्स में दिए गए वाक्यों को पढ़िए इस वीडियो में जो भी अभी मैं आपको ड्रिल्स दूंगा वाक्य दूंगा उनको मैं तो पढ़ के आपको समझाऊंगा आप भी अपने फ्रेंड के संग बैठ के पढ़िए आप कॉपी पेन लेके बैठिए मैं जो जो बोलूंगा वाक्य आपको मिलेंगे सेंटेंसेस मिलेंगे उनको आप लिखते जाइएगा और फिर अपने फ्रेंड के संग बैठ के प्रैक्टिस कीजिएगा इस्तेमाल करने के निर्देशों का भी ध्यान रखना चाहिए मैं आपको बताते जाऊंगा कि कौन से सेक्शन को कैसे यूज करना है अब साथी के साथ इन वाक्यों को बोलने का अभ्यास कीजिए अब आपको अपने फ्रेंड के संग जो भी आपका फ्रेंड आपके संग बैठा है उसके साथ आपको ये सारे सेंटेंसेस बोलने हैं बातचीत प्रश्न उत्तर के रूप में की जा सकती है क्वेश्चन आंसर फॉर्म में आप लोग बात कर सकते हैं गलतियां होंगी पर निराश ना हो एक दूसरे की गलती बताकर उसे सुधारने की कोशिश करें हम आपको आगे की वीडियोस में ये बताएं जब आप किसी से बात करेंगे जब आप एक लैंग्वेज सीख रहे हैं तो आप हो सकता है गलतियां करें हो सकता है कि दूसरे जो गलतियां करें आप उन्हें देखें तो ये सब चीज़ को आपको ध्यान देना है और गलतियों को सुधारना है साथ ही साथ आपकी गलती अगर कोई सुधारे तो आप उससे भी सीखिए धीरे धीरे गलतियाँ कम होती जाएंगी और बातचीत की भाषा सुधरती जाएगी ठीक है दूसरा शीशे के सामने बैठकर वाक्यों को बोलना सही भाव तथा उच्चारण के साथ साथ बार बार बोलिए अभ्यास के साथ आपकी भाषा आपका उच्चारण सुधरेगा और आपका विश्वास बढ़ेगा आप आईने के सामने बैठिए और वाक्यों को बोलिए अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करिए मोबाइल में उसको सुनिए जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपके लिए लैंग्वेज आसान होता जाएगा दसवें दिन के इस भाग में कुछ टेस्ट व कुछ एक्सरसाइजेस दी गई हैं उन्हें करने से आपका भाषा का ज्ञान बढ़ेगा और आप खुद ही जांच व परख सकेंगे कि आपने कितना सीखा है और कहाँ सुधार की जरूरत है तो आइए अभ्यास तालिकाएं, ड्रिल टेबल्स हम लोग देखते हैं देखिए तालिका वन ये है टेबल वन ये है तालिका टू टेबल टू ठीक है यहाँ पे देखिए काफ़ी सारी चीजें हैं पहले हम लोग नीचे पढ़ते हैं तालिका एक और दो में चौबीस चौबीस वाक्य बोलिए फिर बोलकर किसी दूसरे को उनके अर्थ बताइए तो आइए मैं आपको वो वाक्य बताता हूँ ही इज रेडी वह तैयार है शी इज रेडी वह तैयार है आई एम रेडी मैं तैयार हूँ दे आर रेडी वे तैयार हैं यू आर रेडी आप तैयार हैं वी आर रेडी हम तैयार हैं ही इज हंग्री वह भूखा है शी इज हंग्री वह भूखी है आई एम हंग्री मैं भूखा हूं दे आर हंग्री वे भूखे हैं यू आर हंग्री आप भूखे हैं वी आर हंग्री हम भूखे हैं He is thirsty. वह प्यासा है She is thirsty. वह प्यासी है I am thirsty. मैं प्यासा हूँ They are thirsty. वे प्यासे हैं You are thirsty. आप प्यासे हैं We are thirsty. हम प्यासे हैं He is tired. वह थका हुआ है She is tired. वह थकी हुई है आई एम टायर्ड मैं थका हुआ हूँ दे आर टायर्ड वे थके हुए हैं यू आर टायर्ड आप थके हुए हैं वी आर टायर्ड हम थके हुए हैं तो यहाँ पे आप देखिए बहुत सारे सेंटेंसेस हैं देखिए स्ट्रक्चर सेम रहता है इसके लिए हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको 89 वीडियोस मिलेगा इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर का उस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो ये सारे स्ट्रक्चर आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे क्योंकि उसमें और भी डिटेल्स में हम आपको बताए हैं ठीक है अब यहाँ पर देखिए रेडी हंग्री ठीक है थर्स्टी टायर्ड आप जैसे जैसे वर्ड चेंज कर रहे हैं यहाँ पे सेंटेंसेस बदलते जा रहे हैं ठीक है अब मान लीजिए यहाँ पे मैं बोलता हूँ कुकिंग ठीक है खाना बना रहा है ही इज कुकिंग वह खाना बना रहा है शी इज कुकिंग वह खाना बना रही है आई एम कुकिंग मैं खाना बना रहा हूँ दे आर कुकिंग वे खाना बना रहे हैं यू आर कुकिंग आप खाना बना रहे हैं वी आर कुकिंग हम खाना बना रहे हैं इसी तरह से नेगेटिव करना है बस कुछ नहीं ही इज नॉट लगा दीजिए आई एम नॉट लगा दीजिए दे आर नॉट लगा दीजिए सिंपल ही इज नॉट कुकिंग वह खाना नहीं बना रहा है आई एम नॉट कुकिंग मैं खाना नहीं बना रहा हूँ वी आर नॉट कुकिंग हम खाना नहीं बना रहे हैं देखिए थोड़ा थोड़ा चेंजेस करने से पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया क्वेश्चन बनाना है ये जो इज इस है इसको आप आगे कर दीजिए इज ही कुकिंग क्या वह खाना बना रहा है ईशी कुकिंग क्या वह खाना बना रही है एम को आगे कर दीजिए एम आई रेडी क्या मैं तैयार हूँ आर को आगे कर दीजिए आर दे थर्स्टी क्या वे प्यासे हैं आर यू टायर्ड क्या तुम थके हुए हो आर वी हंग्री क्या हम भूखे हैं देखिए एक छोटा सा सेट से आप कितना सारा सेंटेंसेस बना सकते हैं अब आपके दिमाग में जैसे हम यहाँ पे एक वर्ड ऐड किए आप कुछ और वर्ड्स ऐड कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में पॉजिटिव नेगेटिव और इंटरोगेटिव सब सेंटेंसेस बनाइए जितना ज़्यादा आप सेंटेंसेस बनाएंगे अलग अलग कमेंट करते जाइए ताकि दूसरे लोग भी उसको देखें वो भी नए नए वर्ड सीखें और हम लोग अगर कोई गलती हो तो एक दूसरे की गलतियाँ सुधार सकें आइए ये तो आप देखिए प्रेजेंट टेंस में अब यहाँ देखिए ही was रिच वह अमीर था शी was रिच वह अमीर थी आई was रिच मैं अमीर था दे देखिए इसका उच्चारण क्या है व दे व रिच वे अमीर थे यू व रिच आप अमीर थे वी व रिच हम अमीर थे या हम सभी अमीर थे ही वॉज पुअर वह गरीब था ही शी वॉज पुअर वह गरीब थी आई वॉज पुअर मैं गरीब था दे व पुअर वे गरीब थे यू व पुअर आप गरीब थे वी व पुअर हम सभी गरीब थे ही वॉज प्लीज अब यहाँ प्लीज का मतलब खुश होना ही वॉज प्लीज वह खुश था शी वॉज प्लीज वह खुश थी आई वॉज प्लीज मैं खुश था दे व प्लीज वे खुश थे यू व प्लीज आप खुश थे, we we थे। व माफी मांगा था ठीक है या वह उसको खराब लगा ही वो सॉरी आपका कुछ गलती करते हो तब होता है तो ही वो सॉरी व माफी मांगा था शी वॉज सॉरी वह माफी मांगी थी आई वॉज सॉरी मैं माफी मांगा था देर सॉरी वे माफी मांगे थे यू सॉरी आप माफी मांगे थे वी We सॉरी हम सभी माफी मांगे थे ठीक है अब नेगेटिव करना है नॉट लगा दीजिए ही वॉज नॉट रिच वह अमीर नहीं था आई वॉज नॉट रिच मैं अमीर नहीं था शी वॉज नॉट पुअर वह गरीब नहीं थी इसका नेगेटिव करना है नॉट लगा दीजिए दे व नॉट पुअ वे गरीब नहीं थे यू व नॉट रिच आप अमीर नहीं थे क्वेश्चन बनाना है वॉज को आगे कर दीजिए वॉज ही रिच क्या वह अमीर था वॉज शी रिच क्या वह अमीर थी वॉज आई पुअ क्या मैं गरीब था कितना सिंपल है यहाँ पे क्वेश्चन बनाना है इसको आगे कर दीजिए वर को व दे पुअ क्या वे गरीब थे व यू रिच क्या तुम अमीर थे तो इस तरह से हम लोग आसानी से बना सकते हैं ठीक है अब देखिए ऊपर की दोनों तालिकाओं के 48 वाक्य सकारात्मक हैं, इनके नकारात्मक नेगेटिव वाक्य बनाने के लिए आप क्या करेंगे ठीक है एस एम आर वॉज वर् क्रियाओं के बाद नॉट जोड़ेंगे अब देखिए यहां पे हम लोग क्या किए नेगेटिव बनाए ना इज नॉट एम नॉट आर नॉट वॉज नॉट व नॉट बहुत सिंपल है ठीक है उदाहरण के रूप में शी इज नॉट रेडी इस प्रकार आप दोनों तालिकाओं से नकारात्मक वाक्य बनाए हम लोग ऑलरेडी बना चुके हैं तालिका टू दो के सकारात्मक अफर्मेटिव वाक्यों को प्रश्नात्मक वाक्य बनाइए अब देखिए इंटेरोगेटिव कैसे बनता है वो भी हम लोग बना चुके हैं ऑलरेडी वॉर्स को आगे कर दीजिए व को आगे कर दीजिए इज एम आर सबको आगे कर देंगे तो क्या होगा आपका क्वेश्चन बन जाएगा इंटेरोगेटिव बन जाएगा ठीक है अब आपके मन में जो भी सेंटेंसेस आ रहा है नीचे कमेंट सेक्शन में लिखते जाइए अब देखिए तालिका तीन टेबल थ्री ऊपर दी हुई तालिका में चौसठ वाक्य सिक्सटी फोर वाक्य दिए गए हैं अपने मित्र को तालिका में से पढ़कर सुनाइए अब यहां पर भी आपको वाक्य दिए गए हैं आपको सुनाना है ठीक है द बॉय डिड नॉट यूज दिस ट्रेन अब देखिए लड़के ने इस ट्रेन का इस्तेमाल नहीं किया द बॉय कैन यूज दिस ट्रेन लड़का इस ट्रेन का इस्तेमाल कर सकता है द बॉय मे यूज दिस ट्रेन लड़का इस ट्रेन का इस्तेमाल शायद करेगा ठीक है द बॉय मस्ट नॉट यूज दिस ट्रेन लड़के को इस ट्रेन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए द बॉय आउट टू यूज दिस ट्रेन लड़का इस ट्रेन का इस्तेमाल करेगा या उसको करना चाहिए द बॉय शुड यूज दिस ट्रेन लड़के को इस ट्रेन का इस्तेमाल करना चाहिए द बॉय विल यूज दिस ट्रेन फ्यूचर टेंस में बोल रहा है लड़के को इस ट्रेन का इस्तेमाल लड़का इस ट्रेन का इस्तेमाल करेगा क्योंकि विल है द बॉय के नॉट यूज दिस ट्रेन लड़का इस ट्रेन का इस्तेमाल नहीं कर सकता है ठीक है अब देखिए थोड़ा थोड़ा चेंज बदलने से पूरा सेंटेंस ही बदल जाता है ध्यान से सुनिएगा द बॉय कैन डू एज आई से लड़का जैसा मैं बोलूंगा वैसा कर सकता है द बॉय डिड नॉट डू एज आई से लड़का मैंने जैसे कहा वैसा नहीं किया उसने द बॉय मे डू एज आई से मैं जैसा कहूंगा वैसा लड़का शायद कर सकता है द बॉय मस्ट नॉट डू एज आई से मैं जैसा कहूंगा लड़के को वैसा नहीं करना चाहिए द बॉय आउट टू डू एज आई से मैं जैसा कहूंगा लड़के को वैसा ही करना चाहिए द बॉय शुड डू एज आई से मैं जैसा कहूंगा लड़के को वैसा ही करना चाहिए या लड़के को वैसा ही करना चाहिए जैसा मैं कहूंगा अब दोनों ही से, तरह से सेंटेंस सही है द बॉय विल डू एज आई से लड़का वैसा ही करेगा जैसा मैं कहूंगा द बॉय के नॉट डू एज आई से लड़का वैसे नहीं कर सकता जैसा मैं कहूंगा ठीक है द बॉय डिड नॉट गो फॉर हंटिंग हंटिंग करना मतलब शिकार करना लड़का शिकार करने नहीं गया द बॉय कैन गो फॉर हंटिंग लड़का शिकार करने जा सकता है ठीक है अब देखिए आगे द बॉय मे गो फॉर हंटिंग लड़का शिकार करने जा सकता है द बॉय मस्ट not गो फॉर हंटिंग लड़के को शिकार करने नहीं जाना चाहिए द बॉय आउट टू गो फॉर हंटिंग लड़का शिकार करने जा सकता है द बॉय शुड गो फॉर हंटिंग लड़के को शिकार करने जाना चाहिए द बॉय विल गो फॉर हंटिंग लड़का शिकार करने जाएगा द बॉय cannot नॉट गो फॉर हंटिंग लड़का शिकार करने नहीं जा सकता है देखिए यहाँ पे केव है केव का मतलब गुफा होता है द बॉय डिड नॉट एंटर द केव लड़का गुफा के अंदर नहीं गया था द बॉय कैन एंटर द केव लड़का गुफा के अंदर जा सकता है द बॉय मे एंटर द केव लड़का शायद गुफा के अंदर जा सकता है ठीक है मे एंटर कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है द बॉय मस्ट नॉट एंटर द केव लड़के को गुफा के अंदर नहीं जाना चाहिए द बॉय आउट टू एंटर द केव लड़के को गुफा के अंदर जाना चाहिए द बॉय शुड गो शुड एंटर द केव लड़के को गुफा के अंदर जाना चाहिए ठीक है यहाँ शुड मतलब क्या उसको करना ही चाहिए द बॉय विल एंटर द केव लड़के को लड़का गुफा के अंदर जाएगा द बॉय कैन enter एंटर द केव लड़का गुफा के अंदर नहीं जा सकता ठीक है अब देखिए द बॉय से आप कितना सारा हम लोग यहाँ पे टोटल थर्टी टू सेंटेंसेज अभी तक पढ़े हैं द बॉय का इस्तेमाल करके ठीक है अब हिज फ्रेंड्स उसके दोस्त ठीक है हिज फ्रेंड्स का मतलब क्या हुआ उसके दोस्त हिज फ्रेंड्स डिड नॉट यूज दिस ट्रेन उसके दोस्तों ने इस ट्रेन का इस्तेमाल नहीं किया था डिड है इसीलिए पास्ट टेंस हिज फ्रेंड्स कैन यूज दिस ट्रेन उसके दोस्त इस ट्रेन का इस्तेमाल कर सकते हैं हिज फ्रेंड्स में यूज दिस ट्रेन उसके दोस्त अब देखिए तो उस ट्रेन का इस्तेमाल कर सकते हैं His friends must not use this train. उसके दोस्तों को इस ट्रेन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए हिज फ्रेंड्स आउट टू यूज दिस ट्रेन उसके दोस्तों को ये इस ट्रेन का इस्तेमाल करना चाहिए हिज फ्रेंड्स शुद्ध यूज दिस ट्रेन उसके दोस्तों को इस ट्रेन का इस्तेमाल करना चाहिए यहाँ पे शुड है मतलब करना ही चाहिए हिज फ्रेंड्स विल यूज दिस ट्रेन उसके दोस्त इस ट्रेन का इस्तेमाल करेंगे भविष्य में हिज फ्रेंड्स के नॉट यूज दिस ट्रेन उसके दोस्त इस ट्रेन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं हिज फ्रेंड्स डिड नॉट डू एज आई से उसके दोस्तों ने मैंने जैसा कहा वैसा नहीं किया था हिज फ्रेंड्स कैन डू एज आई से उसके दोस्त जैसा मैं कहूँगा वैसा कर सकते हैं हिज फ्रेंड्स मे डू एज आई से उसके दोस्त शायद मैं जैसा कहूंगा करेंगे His friends मस्ट नॉट डू एज आई से उसके दोस्तों को जैसा मैं कहूँगा वैसा नहीं करना चाहिए हिज फ्रेंड्स आउट टू डू एज आई से उसके दोस्तों को जो है वो जैसा मैं कहूँगा वैसा करना चाहिए हि फ्रेंड्स शुड डू एज आई से अब यहाँ पर मतलब करना ही होगा हिज फ्रेंड जो उनके दोस्त हैं जैसा मैं कहूँगा वैसा उन्हें करना ही चाहिए हिज फ्रेंड्स विल डू एज आई से उसके दोस्तों को जैसा मैं कहूँगा वैसा वो करेंगे ठीक है हिज फ्रेंड्स के नॉट डू एज आई से जैसा मैं कहूंगा, वैसा उसके दोस्त नहीं कर सकते हिज फ्रेंड्स डिड not गो फॉर हंटिंग उसके जो दोस्त हैं वे शिकार पर नहीं गए थे हिज़ फ्रेंड्स कैन गो फॉर हंटिंग उसके दोस्त शिकार पर जा सकते हैं हिज़ फ्रेंड्स मे गो फॉर हंटिंग उसके जो दोस्त हैं वो शायद शिकार पर जा सकते हैं हिज फ्रेंड्स मस्ट नॉट गो फॉर हंटिंग उसके दोस्तों को शिकार पर नहीं जाना चाहिए हिज़ फ्रेंड्स आउट टू गो फॉर हंटिंग उसके दोस्तों को शिकार पर जाना चाहिए हिज़ friends शुड गो फॉर हंटिंग उसके दोस्तों को शिकार पर जाना चाहिए हिज़ फ्रेंड्स विल गो फॉर हंटिंग उसके दोस्त शिकार पर जाएंगे हिज़ फ्रेंड्स कैन नॉट गो फॉर हंटिंग उसके दोस्त शिकार पर नहीं जा सकते ठीक है अब देखिए गुफा वाली बात केव हिज़ फ्रेंड्स डिड नॉट एंटर द केव उसके जो दोस्त हैं उन्हें गुफा के अंदर नहीं जाना चाहिए हिज़ फ्रेंड्स कैन एंटर द केव उसके दोस्तों को गुफा के अंदर जाना चाहिए हिज़ फ्रेंड्स मे एंटर द केव उसके दोस्त शायद गुफा के अंदर जाएंगे हिज़ फ्रेंड्स मस्ट नॉट एंटर द केव उसके दोस्तों को गुफा के अंदर नहीं जाना चाहिए His friends out to enter the cave. उसके दोस्तों को गुफा के अंदर वो जा सकते हैं His friends should enter the cave. उनकी उसके दोस्तों को गुफा के अंदर जाना चाहिए His friends will enter the cave. उसके दोस्त गुफा के अंदर जाएंगे His friends cannot enter the cave. उसके दोस्त गुफा के अंदर नहीं जाएंगे तो देखिए यहाँ पे भी हम लोग थर्टी टू सेंटेंसेज बनाए थोड़ा बहुत चेंज करके आप देख रहे हैं काफ़ी सारी चीज़ें आप सीख रहे हैं तो आप भी थोड़ा बहुत चेंज कीजिए और क्या क्या सेंटेंसेज आप बना सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बनाइए आइए अब हम लोग टेबल फोर देखते हैं ठीक है इसको हम लोग मैश द कॉलम कहते हैं तो आइए यहाँ टेबल वन है इसमें दो है तालिका चार में एक और दो कॉलम यहाँ दो कॉलम है में तोड़कर दस वाक्य दिए गए हैं ये वाक्य आपके पिछले पाठों में से लिए गए हैं इन्हें इस प्रकार जोड़ें कि ये सभी सार्थक वाक्य बन जाए फिर उनका अनुवाद कीजिए ठीक है तो आइए द कॉलम करते हैं देखिए बी के साथ होता है रेडी बी रेडी ठीक है यहाँ पे एक एक करके हम लोग करेंगे अब जो स्टूडेंट हमारे वीडियोस को लाइन से देख रहे हैं उनके लिए बहुत आसान होगा तो At once. Okay? Next, dekhe. have you written to Radha? Next, did you wake up early yesterday? Next, will you come day after tomorrow? Next, can you read Sanskrit? Next, may I accompany Ramesh sir? Next, Could Rama solve this problem? Next, find your own business. Next, don't be फूल me. अब देखिए यहाँ पे आपको जब भी मैच द कॉलम करना होगा तो क्या पहले आप इस सारे वर्ड्स को पढ़ेंगे बी गो you डिड यू वेक अप विल यू कम कैन यू रीड मे आई अ कंपनी गुड रामा solve? माइंड डोंट उसके बाद यहाँ पढ़ेंगे डे आफ्टर tomorrow. संस्कृत रमेश स प्रॉब्लम अटवान्स टू राधा अर्ली येस्ट डे यस वेरी बीफुल मी उसके बाद देखिए यहां पर पढ़ पढ़ के आप एक एक मिलाएंगे तो ये होगा अब ये देखिए फर्स्ट टाइम करवा रहे हैं तो हो सकता है कि ये चीज आपको टफ लगे लेकिन ये बहुत ईजी है डिपेंडिंग आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं भाई सब कुछ टफ है आइए अब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे अभ्यास पहला दिन एकदम फर्स्ट डे का जो स्टूडेंट वीडियो किए हैं वो आसानी से आंसर दे पाएंगे इन वाक्यों में कुछ गलतियां हैं अब नीचे जो सेंटेंसेस है उसमें कुछ गलती होगा गलतियां सुधारिए और वाक्यों का अभ्यास कीजिए ठीक है पहला गुड नाइट अंकल हाउ आर यू शुभ रात्रि चाचा जी या चाचा हो कोई भी मामा हो सबको अंकल कहते हैं आप कैसे हैं अब देखिए शाम को छ बज रहा है छह बजे तो हम लोग गुड नाइट नहीं बोलते हैं हम लोग क्या बोलेंगे हम लोग बोलेंगे यहां पे मैं लिखता हूं ठीक है शाम को छह बजे हम लोग बोलते हैं गुड इवनिंग गुड इवनिंग अंकल हाउ आर यू ठीक है इज ही योर कजन ब्रदर क्या यह आपका चाचा कल बेटा है या आपका चचेरा भाई है ठीक है अब यहां पे एक चीज देखिए हम आपको बताए थे कजन जब भी यूज करेंगे ब्रदर सिस्टर यूज नहीं करेंगे ठीक है जैसे ही आप ही का यूज कर रहे हो तो पता चल रहा है ये जो कजन है ये कोई लड़का है तो इसका सही होगा इज ही योर कजन ठीक है कजन के साथ कजन ब्रदर कजन सिस्टर कभी नहीं करते हैं ठीक है उसके आगे ही शी जो हम लोग यूज़ करेंगे उससे पता चल जाएगा अगर ही शी की जगह आप नाम यूज़ करेंगे तो भी पता चल जाएगा कि लड़का है कि लड़की सेम देखिए यहाँ पे। शी इज़ नॉट माई काजन सिस्टर गलत सिस्टर नहीं होगा सही क्या होगा शी इज़ नॉट माई काजन वह मेरी बहन नहीं है गुड आफ्टरनून माई सन प्रातः नौ बजे सुबह सुबह नौ बजे आप किसी को आफ्टरनून नहीं बोलते हो आप क्या बोलते हो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बाय नेक्स्ट गुड मॉर्निंग दो बजे दोपहर नहीं दोपहर को दो बजे हम लोग गुड मॉर्निंग नहीं बोलते हैं हम लोग बोलते हैं गुड आफ्टरनून दादा अब जो स्टूडेंट लाइन से वीडियो देख रहे हैं वो उस तब उनके लिए तो ये बहुत आसान होगा क्योंकि हर एक एक कॉन्सेप्ट हम आगे उनको बताए हैं नेक्स्ट इन वाक्यों के अंग्रेजी और हिंदी के रूपों पर ध्यान दीजिए और समझिए कि दोनों भाषाओं में वाक्य के वचन नंबर में क्या अंतर है ठीक है ध्यान से देखिए पिताजी आए हैं फादर हैज कम शर्मा जी अभी अभी गए हैं मिस्टर शर्मा हैज देखिए आप उन्होंने आपको फिर बुलाया है ही हैज कॉल्ड यू अगेन हिंदी में जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग जी का इस्तेमाल करते हैं ठीक है लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है देखा अंतर पिताजी आए हैं फादर हैज़ कम सिर्फ फादर इस्तेमाल किया है फादर के संग जी इस्तेमाल नहीं होता है शर्मा जी मिस्टर शर्मा ठीक है देखा अंतर हिंदी वाक्य पिताजी आए हैं का अंग्रेजी फादर हैज कम पिता आया है अनुवाद है फादर हैज कम को अगर आप हिंदी में बोलेंगे तो पिता आया है होता है लेकिन जब हम लोग हिंदी में बात करते हैं तो इज्जत से पिताजी कहते हैं इसी प्रकार दूसरे और तीसरे वाक्य में जी और गए हैं उन्होंने आपको ये सभी शब्द एक व्यक्ति एक वचन पिता और तुम से संबोधित है बहुवचन से नहीं इसलिए जब भी आप हिंदी से अंग्रेजी में वाक्य बनाने लगे सबसे पहले मन में आदर सूचक वाक्य को सीधा कर लें श्री शर्मा अभी, अभी अभी गया है उसने तुम्हें बुलाया है फिर ऊपर लिखा वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करके ने में कठिनाई नहीं होगी देखिए पहला दिन टेलबॉक्स जो फर्स्ट डे का कर रहे हैं उनको पता है जैसे अगर आप मुझे बोलेंगे तो आप रघुनाथ सर जी नहीं बोलेंगे मिस्टर रघुनाथ या सबसे बेस्ट बेटर होता है जब आप मिस्टर इस्तेमाल करेंगे तो सर नेम यूज करेंगे ये इसका कॉन्सेप्ट भी मैं आपको आगे बताऊंगा ठीक है तो अगर आप मुझे बोलेंगे तो आप बोलेंगे मिस्टर जयसवाल ठीक है ये सही तरीका होता है नेक्स्ट डे दूसरा दिन अब जो स्टूडेंट दूसरे दिन का वीडियो देखे उनके लिए ये बहुत आसान होगा शिष्टाचार की कुछ बातों को दोहरा लीजिए हम लोग मैनर्स के बारे में एटिकेट्स के बारे में पढ़े थे सेकेंड डे में तो आइए उसको देखते हैं आप किसी के यहां जाएं और वहां आपकी बड़ी खातिर हो तो आप कहेंगे थैंक्स फॉर योर हॉस्पिटैलिटी आपके मेहमान नवाजी का शुक्रिया हॉस्पिटैलिटी ठीक है आप किसी के गए वो बहुत अच्छे से आपका ख्याल रखा आपका मेहमान नवाजी बहुत अच्छे से खातिर किया अच्छा खिलाया पिलाया अच्छे से बात किया आपको समय दिया तो आप क्या बोलेंगे थैंक्स फॉर योर हॉस्पिटैलिटी दूसरा आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू आई शैल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू यू हैव बीन अ ग्रेट हेल्प इन तीनों वाक्यों को पढ़कर देखिए कि इनमें क्या अंतर है कहाँ किस वाक्य का प्रयोग करना चाहिए ठीक है आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू आई शैल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू यू हैव बीन अ ग्रेट हेल्प ठीक है देखिए आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू ठीक है जब आपका कोई मदद करता है तब आप बोलते हो ठीक है आई शैल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू आपका कोई मदद करेगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा यू हैव बिन कोई आपका मदद कर चुका है ठीक है तब आप ये बोलते हो कोई व्यक्ति आपके लिए आपके कहने पर आपका कोई काम कर दे तो आप कहेंगे आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू मैं आपकी बहुत एहसानमंद हूँ या मैं आपका बहुत एहसानमंद हूँ यू हैव बीन अ ग्रेट हेल्प आपने मेरी बहुत मदद की इसी प्रकार जब आप किसी से अपना कोई काम करने के लिए कहें तो आप पहले से ही मैं धन्यवाद देने के लिए कहेंगे आई शैल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू तो अगर देखिए दो केस हुआ पहला में क्या है कोई व्यक्ति आपके लिए आपके कहने पर आपका कोई काम कर देगा तो आप बोलेंगे आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू यू हैव बीन अ ग्रेट हेल्प दूसरा सिचुएशन देखिए इसी प्रकार जब आप किसी से अपना कोई काम करने के लिए कहें तो आप पहले से ही मैं धन्यवाद देने के लिए कहेंगे आई शैल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू ठीक है अगर वो आपका मदद करता है तो मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार होऊंगा फ्यूचर कोई आपके ही मुंह पर आपकी प्रशंसा करने लगे तो आप उसके उत्तर में कह सकते हैं ओह आई डोंट डिजर्व दिस प्रेज मैं इस प्रशंसा के योग्य नहीं हूं अब देखिए इसको मैनर्स कहते हैं मान लीजिए कोई आपके सामने आता है आपका बहुत प्रशंसा कर रहा है ठीक है आपके बारे में अच्छी अच्छी बातें करता है तो ये नहीं कि आप भी और बोलने लगे कि हा, हाँ हाँ ऐसे मैं बहुत अच्छा हूँ मेरे बारे में और अच्छा अच्छा बोलिए ठीक है मैनर्स के अकॉर्डिंग आप बोलेंगे अरे ऐसी कोई बात नहीं है ओह आई डोंट डिजर्व दिस प्रेज क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि आपके ये बोल देने से आप प्रशंसा के हकदार नहीं है भाई कुछ आप अच्छा किए हो तो किए लेकिन जो सभ्य व्यक्ति होते हैं कामयाब व्यक्ति होते हैं वो उनकी प्रशंसा अपने सामने वो करना उन्हें पसंद नहीं होता ठीक है नहीं करवाना चाहिए लोग अगर आपकी प्रशंसा करें तो आपके पीठ पीछे करें ठीक है जब वो किसी और से मिले तो आपके बारे में अच्छा अच्छा कहें तब जाके वो असली प्रशंसा होती है बहुत बार ऐसा भी होता है कि लोग आपके सामने आपके बारे में अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं क्योंकि उनको आपसे कोई काम होता है ठीक है तो अगर कोई ऐसा सिचुएशन आ रहा है कि लोग आपके सामने आपकी प्रशंसा कर रहे हैं आपके बारे में अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं तो आप बोल सकते हैं ओह आई डोंट डिजर्व दिस प्रेज मैं इस प्रशंसा के योग्य नहीं हूँ हंसते हुए पोलाइटली तीसरा दिन इन शब्दों पर ध्यान दीजिए गॉड गॉड अर्थात परमात्मा, खुदा या ईश्वर, अथवा अर्थात उनके देवता ईश्वर यानी खुदा या परमात्मा एक ही है जबकि देवता या देवदूत अनेक हैं, हर धर्म के गुड विशेषण है अर्थात अच्छा गुड्स संज्ञा है यानी सामान अब देखिए जब हम लोग गॉड कहेंगे तो ये होता है भगवान ठीक है भगवान जी को हम लोग गॉड कहते हैं ईश्वर अल्लाह ठीक है परमात्मा लेकिन जब हम लोग गॉड्स कहेंगे ठीक है तो बहुत सारे भगवान होते हैं शिव है, जी हैं विष्णु जी हैं बहुत सारी माताएं होती हैं ठीक है दुर्गा माँ होती हैं तो अलग अलग जब रूप होंगी तो गॉड्स जब भगवान को हम लोग एक बोलेंगे तो गॉड इसी तरह से जब आप किसी को बोलोगे अच्छा तो आप गुड बोलोगे जैसे गुड बॉय अच्छा लड़का लेकिन जब आप सामान के बारे में बात करोगे गुड्स यानी कोई सामान ठीक है आगे देखिए यहां पे मैं आपको एक काम देता हूं इन शब्दों को शब्द कोश में देखिए शब्द कोश मतलब डिक्शनरी और इसके अर्थ दोहराइए आपको ये सारे वर्ड्स डिक्शनरी से खोजने हैं और नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है ठीक है मार्वल्स marvelous, splendid, splendid, डिस्क्रेसफुल डिस्क्रेसफुल absurd, absurd, excellent, एक्सेलेंट nonsense, nonsense. ठीक है ये सारे वर्ड्स के आप डिक्शनरी में मीनिंग खोजिए और नीचे लिखिए अगर डिक्शनरी का आपके पास सुविधा नहीं है तो गूगल में टाइप कीजिए जो भी मतलब मिलता है नीचे लिखिए ताकि मैं देख पाऊँ कि आप कितने अच्छे से अटेंटिवली पढ़ रहे हैं ध्यान दे के पढ़ रहे हैं साथ ही साथ दूसरे स्टूडेंट भी वर्ड्स का मीनिंग सीख पाएँ। सिक्स इन शब्दों का आशय समझिए कि ये किस किस भाव को प्रकट करते हैं अगेन ये सारे वर्ड्स का भी आपको मतलब समझना है नास्टी नास्टी वोई वोई हेलो हेलो ुर रे ठीक है ये सारे वर्ड्स का आप मीनिंग ढूंढेंगे और नीचे लिखेंगे नेक्स्ट चौथा दिन फोर्थ डे में आप क्या पढ़े थे इन वाक्यों पर ध्यान दीजिए अब यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस हैं आपको इन पर ध्यान देना है ठीक है वेल बिगन हाफ डन वेल बिगन हाफ डन जब आप अच्छे से शुरुआत करते हो तो वहीं पर आपका आधा काम हो जाता है टू अर इज ह्यूमन टू फु गेव डिवाइन देखिये मनुष्य गलतियां करता है परमात्मा है वो क्षमा कर देता है थैंक यू धन्यवाद जस्ट कमिंग हाँ आ रहे हैं ये वाक्य देखने में अधूरे लगते हैं ए और बी वेल बेगम हाफ डन टू अर इज ह्यूमन टू फू गिव डिवाइन वाक्यों में क्रिया गायब है सी और डी वाक्यों में करता गायब है थैंक यू जस्ट कमिंग बोलचाल में ये वाक्य ऐसे ही बोले जाते हैं परंतु ये संक्षिप्त या अधूरे वाक्य हैं ठीक है शॉर्ट में हम लोग अपनी बातें कह रहे हैं यहाँ पर जो पूर्ण वाक्य का, का काम कर देते हैं अंग्रेजी में ऐसे वाक्यों को एलिप्टिकल सेंटेंसेस कहा जाता है जो कम शब्दों में आप अपनी बात कह दे रहे हैं कंप्लीट सेंटेंस नहीं है कम शब्दों में बात कह दे रहे हैं उनको क्या कहा जाता है एलिप्टिकल सेंटेंसेस ऐसे वाक्यों का अंग्रेजी में बड़ा प्रचलन है जब हम लोग इंग्लिश में किसी से बात करते हैं तो छोटे छोटे शब्दों में हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें बोलते हैं ठीक है ये याद रखिएगा एलिप्टिकल sentences इसके ऊपर भी काफ़ी सारी एग्जाम्पल्स मैं आपको आने वाले वीडियोज में देता जाऊँगा जस्ट कमिंग का चौथा दिन के पहले वाक्य में अर्थ दिया गया है मैं अभी आ रहा हूँ यहाँ आप पूछ सकते हैं कि क्या इस अर्थ इसका अर्थ वह अभी आ रहा है नहीं हो सकता उत्तर होगा हो सकता है ठीक है मान लीजिए कोई आपके घर आए और आपसे आपके भाई के बारे में पूछे आप अंदर जाएंगे और उससे उसके मित्र के आने की सूचना देकर जल्दी से वहां लौटेंगे और कहेंगे जस्ट कमिंग यहां पूर्ण वाक्य है ही इज जस्ट कमिंग ठीक है तो आप शॉर्टकट में यहां पे एक्सप्रेशनल वैल्यू होता है ठीक है बहुत बार लोग अपने एक्सप्रेशन से भी बहुत सारी बातें कहते हैं फिर आता है पांचवा दिन फिफ्थ डे का जो वीडियो देखे स्टूडेंट ये उनको इजिली समझ में आएगा इन वाक्यों को ध्यान से देखिए यू स्पीक इंग्लिश डू यू स्पीक इंग्लिश पहला सकारात्मक पॉजिटिव है दूसरा प्रश्नात्मक इंटेरोगेटिव है ठीक है पहला वाक्य में स्पेशल सहायक क्रिया आरंभ में जोड़ने से प्रश्नात्मक वाक्य बन गया क्योंकि देखिए यू के संख्या होता है जो स्टूडेंट लाइन से देख रहे हैं उनको पता है यू डू नेगेटिव यू डू नॉट क्वेश्चन कैसे बनता है डू यू ठीक है ये एक सेट है ये दूसरा ये ठीक है ऐसे ही डू और डज सहायक क्रियाएं जोड़कर नीचे लिखे वाक्यों से प्रश्नात्मक वाक्य बनाइए और उन प्रश्नात्मक वाक्यों का अर्थ हिंदी में भी लिखिए ठीक है थीके? तो आगे हम लोग करते हैं इसको यू गो टू स्कूल ठीक है इसका हम लोग क्या क्वेश्चन बनाएंगे डू यू गो टू स्कूल क्या तुम स्कूल जाते हो ये वाला यू प्ले हॉकी डू यू प्ले हॉकी क्या तुम हॉकी खेलते हो शी इज बैक फ्रॉम ऑफिस एट सिक्स पी एम इ शी बैक फ्राम ऑफिस एट सिक्स पी एम क्या वह शाम छह बजे तक ऑफिस से घर आ जाती है मदर टेक्स केयर ऑफ अर चिल्ड्रेन ठीक है अब देखिये मदर किसके लिए होता है शी के लिए ड क्योंकि शी के संग डज लगता है आई डू ही डी डज इट डज यू डू वी डू दे डू जो स्टूडेंट लाइन से वीडियो देख रहे हैं उनको ये चीज हम आगे बता चुके हैं डज मादर टेक्स केयर ऑफ हर चिल्ड्रेन फाइव दे गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक टू They go for a morning walk. इस तरह से इसका क्वेश्चन बनता है I always work hard. Do I? क्योंकि I के संग do लगता है Always work hard. क्या मैं हमेशा कड़ी मेहनत करता हूँ? टेन प्रश्न 11 में छपे सकारात्मक वाक्यों का हिंदी अनुवाद कीजिए ठीक है वर्तमान काल की अन्य सहायक स्पेशल वर्ब्स में से कुछ विशेष हैं इज एम आर के बारे में हम डिटेल में बताए गए हैं नीचे दिए गए वाक्यों में इन्हें प्रयोग हुआ है अब देखिए द मून इज शाइनिंग इज द मून शाइनिंग बहुत सिंपल है इसको आप आगे कर दोगे तो ये क्वेश्चन बन जाएगा इसके बाद नॉट लगा दोगे तो नेगेटिव द मून इज नॉट शाइनिंग चांद चमक रहा है द मून इज शाइनिंग द मून इज नॉट शाइनिंग चाँद चमक नहीं रहा है इज द मून शाइनिंग क्या चांद चमक रहा है वी आर लिस्निंग टू यू हम तुम्हारी बात सुन रहे हैं अब इसको आप आगे कर दीजिए आर वी लिस्निंग टू यू क्या हम आपकी बात सुन रहे हैं क्या तुम्हारी बात सुन रहे हैं नेगेटिव बनाना है बस आर के बाद नॉट लगा दीजिए वी आर नॉट लिसनिंग टू यू हम तुम्हें नहीं सुन रहे हैं या हम आपकी बात नहीं सुन रहे हैं माई फादर हैज़ गॉन आउट मेरे पिताजी बाहर जा चुके हैं। हैज माई फादर गॉन आउट क्या मेरे पिताजी बाहर जा चुके हैं माई फादर हैज़ नॉट गॉन आउट मेरे पिताजी बाहर नहीं गए हैं आई हैव सीन इट मैंने इसे देखा है इसको आप आगे कर दीजिए हैव आई सीन इट क्या मैंने इसे देखा है आई हैव नॉट सीन इट मैंने इसे नहीं देखा है कितना आसान है आमने सामने की दोनों वाक्यों को देखिए और ध्यान दीजिए कि ये पॉजिटिव से इंटरगेटिव कैसे बने क्योंकि ये सभी स्पेशल वर्ब्स वाक्यों में सबसे पहले निकाल कर रखे जाते हैं और लिखने के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क लगाते हैं इन्हें बोलते समय टोन या लहजा प्रश्नवाचक रखा जाता है ध्यान से देखिएगा इज द मून शाइनिंग आर वी लिसनिंग टू यू हैज माई फादर गॉन आउट इट आपके बोलने के तरीके से पता चलता है कि आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं ठीक है अब ऊपर के आठों वाक्यों को हिंदी में अनुवाद करके पढ़िए हम आपको हिंदी ऑलरेडी समझा चुके हैं नेक्स्ट नीचे दिए वाक्यों को प्रश्नवाचक बनाइए और साथ ही उनका हिंदी में रूपांतरण कीजिए प्रश्नवाचक मतलब क्वेश्चन बनाना है बहुत सिंपल है सम वन इज नॉकिंग एट द डोर यहाँ जगह नहीं है तो मैं दूसरे पेज में कर रहा हूं ठीक है अब देखिए यहाँ पे हम लोग एक एक करके सब करेंगे समय लगेगा पर कोई प्रॉब्लम नहीं है सारा करेंगे डिटेल में करेंगे अच्छे से पढ़ेंगे ठीक है तो आइए क्या है सम वन इज नॉकिंग एट द डोर तो कैसे बनाएंगे नंबर वन इज सम एट द डोर नॉकिंग एट द डोर क्वेश्चन मार्क ठीक है नंबर टू सेकेंड क्या है योर फ्रेंड्स आर इंजॉइंग दम सेल्व आर योर फ्रेंड्स एंजॉयिंग सेल्फ क्या आपके जो दोस्त हैं वो एंजॉय कर रहे हैं आई एम रीडिंग अ कॉमिक कॉमिक पढ़ रहा हूँ, ठीक है क्वेश्चन कैसे बनेगा एम आई रीडिंग कॉमिक या मैं एक कॉमिक पढ़ रहा हूं और इट इज फ्राइडे टुडे आज शुक्रवार है क्वेश्चन कैसे बनाएंगे इज इट फ्राइडे टुडे नेक्स्ट योर हैंड्स आर क्लीन आपके हाथ साफ है क्वेश्चन कैसे बनाएंगे आर हैंड्स क्लीन क्या आपके हाथ साफ हैं आगे देखिए सिक्स द ट्रेन हैज जस्ट अराइफ ट्रेन अभी तुरंत आई है हैज द ट्रेन जस्ट अराइव्ड क्या ट्रेन अभी तुरंत आई है वी हैव studied इंग्लिश हम सभी ने अंग्रेजी पढ़ा है have we studied, अब देखिए यहां पे ये एक तरह का लैंग्वेज है तो इसका फर्स्ट जो लेटर है वो कैपिटल हो ठीक है फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल होगा इंग्लिश ठीक है Have we started English? It has rained for two hours. Two hours. It has it rained for two hours. Next, they have gone to bed. The question? Kaise हैव दे गॉन टू हेड क्या वह बिस्तर में जा चुके हैं या सोने जा चुके हैं नेक्स्ट यू हैव ऑलरेडी फिनिश्ड योर डिनर आप अपना खाना खा चुके हैं रात का खाना क्वेश्चन कैसे बनेगा हैव यू ऑलरेडी फिनिश्ड डिनर देखिए इस तरह से क्वेश्चन बनता है जो कि बहुत आसान है नेक्स्ट छठे से नौवे दिन अब देखिए सिक्स टू नाइन्थ डे ठीक है यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं हम लोग पढ़ेंगे थर्टीन अंग्रेजी में चौबीस सहायक क्रियाएं हैं ट्वेंटी फोर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं टू दर am, was, were, has, have, had, will, shall. फिर आते हैं would, should, can, could, may, might, must, out, out to, need, dare, used, used to. पहली तेरह क्रियाएं प्राय टेंसेस में काम आती हैं देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ दस ग्यारह बारह तेरह ठीक है इनका प्रयोग आप पांचवे, छठे व सातवें दिन में देख सकते हैं प्रेजेंट टेंस, टेंस का परिचय आप आठवें दिन में प्राप्त कर चुके हैं ठीक है डे का जो वीडियो था उसमें हम लोग ये पढ़े थे आपने देखा है कि प्राय ये सभी क्रियाएं प्रधान क्रिया का की सहायता करते हैं जैसे आई मे गो प्रश्नवाचक इंटरोगेटिव वाक्य बनाना हो तो प्राय ये सब वाक्य के आरंभ में आते हैं जैसे आई मे गो मे आई गो ठीक है नकारात्मक नेगेटिव बनाना हो तो इन सहायक क्रियाओं के बाद और मुख्य क्रियाओं से पहले नॉट जोड़ा जाता है ठीक है जैसे आई मे गो आई मे नॉट गो ठीक है बहुत सिंपल है बहुत सारे सेंटेंसेस हम आपको इंटरोगेटिव बना के नेगेटिव बना के दिखाए हैं ठीक है नेक्स्ट नीचे दिए गए प्रश्नात्मक वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए आपको हिंदी बताना है मस्ट आई टेल यू अगेन क्या मुझे तुम्हें फिर से बताना होगा मस्ट शी राइट फर्स्ट क्या उसे पहले फिर से लिखना होगा कांट यू फाइंड योर बुक क्या तुम्हें तुम्हारी बुक नहीं मिल रही है रिपेयर इ क्या वे इसे मेरे लिए बना सकते हैं कुड यू शो मी दुम मुझे रास्ता बता सकते होनेमा की टिकट नहीं मिलेगी वो नहीं ले पा रही है वोट यू बी एबल टू कम टू सी एस क्या तुम हमसे या हम सभी से अस है मतलब हम सभी से मिलने नहीं आ सकते शुड ही गो टू बेड अर्ली क्या उसे जल्दी सोना जाना होगा शुड नॉट द रिच पीपल द पुअर क्या अमीर लोगों को गरीबों की मदद नहीं करनी चाहिए डेर आई डू इट ठीक है हिम्मत है तो कि मैं वो करूं आई नीड यू बी टोल्ड टू बी केयरफुल क्या तुम्हें यह बताना होगा कि तुम्हें केयरफुल uh, रहना चाहिए सतर्क रहना चाहिए मे आई हैव द रूम क्या मैं इस रूम को ले सकता हूँ मे आई you? क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ शुड आई him फर्स्ट क्या मुझे उसे पहले पूछना चाहिए वुड यू वेट फॉर few मिनट्स क्या तुम कुछ देर रुकोगे डिड ही गिव यू मनी often? क्या वह तुम्हें बार बार पैसे देता है अब आप जानते हैं कि मस्ट और आउट नीड देर यूज और यूज टू ये सहायक क्रियाएं स्पेशल वर्ब्स अन्य क्रियाओं के समान ही प्रयोग में आती हैं नीचे के सकारात्मक पॉजिटिव और नकारात्मक नेगेटिव वाक्यों का अनुवाद कीजिए और साथ ही इस बात को समझने का प्रयत्न कीजिए कि ये, कि ये क्रियाएं किस तरह प्रयोग में आती हैं ठीक है हम लोग देखते हैं आई नीड अ टावल मुझे एक टावल चाहिए गमछा चाहिए शीड नीड नॉट गो टू द बैंक उसे बैंक जाने की जरूरत नहीं है यू नीड अ रेस्ट डिडेंट यू यू नीड अ रेस्ट डिडेंट यू तुम्हें आराम की जरूरत थी uh, है ना आई माइट गो टू कुतुब मीनार मैं कुतुब मीनार जा सकता हूं यू नीडेंट वरी यू नीड नॉट वरी तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है आई आउ टू स्लीप ना मुझे एब सोना चाहिए यू नीडेंट गो देर तुम्हें वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है नीडेंट नीड नाट का शॉर्ट फॉर्म है आई मस्ट सेव मनी मुझे पैसा बचाना चाहिए देर इजेंट एनी नीड टू डिस्कस दिस इस पर चर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है डिस्कस करना मतलब चर्चा करना या विचार विमर्श करना He won't अटेंड द मीटिंग विल ही वह मीटिंग में नहीं आएगा क्या आएगा क्या वह ठीक है इस तरह से हम लोग करते हैं अब देखिए आस्ते आस्ते आप लोग पढ़ रहे हैं काफ़ी सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा करके आप सीख रहे हैं ठीक है तो बहुत सारे sentences आगे भी आएंगे Videos को बार बार देखिए आपके मन में क्या क्या sentences आ रहा है लिखते जाइए क्योंकि जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक मुझे समझ नहीं आएगा कि आपको कितना समझ आ रहा है ठीक है आप गलतियां करेंगे तो उसे सुधारा जाएगा आगे देखिए आगे प्रश्न तथा उनके संक्षिप्त उत्तर दिए गए हैं इनका अभ्यास कीजिए इससे आप नए अपरिचित प्रश्नों के उत्तर भी दे सकेंगे ठीक है तो बहुत सारे क्वेश्चन है उसके आंसर कैसे देंगे आइए एक एक करके मैं आपको बताता हूं कैन यू स्पीक करेक्ट इंग्लिश क्या तुम सही तरह से अंग्रेजी बोल सकते हो नो आई कांट नहीं मैं नहीं बोल सकता हूं विल यू स्पीक टू हर क्या तुम तो उससे बात करोगे नो आई वॉन्ट नहीं मैं नहीं करूँगा कुड दे हैव there अलोन क्या वे वहाँ अकेले गए होंगे yes, हाँ, वे दे कुड Should शुड आई वेट फॉर यू एट station? क्या मैं स्टेशन में तुम्हारी तुम्हारा इंतज़ार करूँ नो no, यू shouldn't. नहीं तुम्हें इंतज़ार नहीं करना चाहिए Does she टेल अ लाई क्या वह झूठ बोलती है नो no, शी doesn't. नहीं वह झूठ नहीं बोलती है डू यू स्पीक द ट्रूथ क्या तुम सच बोलते हो यस yes, आई do. हाँ मैं सच बोलता हूँ मे वी go नाउ क्या हम अब जा सकते हैं यस यू मे हाँ आप जा सकते हैं वॉन्ट यू ऑफ टू द मार्केट क्या तुम बाजार नहीं गए थे यस yes, आई was. हाँ मैं गया था हैड एंड शी फिनिस्ड हर वर्क क्या उसने अपना काम खत्म नहीं किया है यहाँ पे एक मिनट। क्या उसने अपना काम खत्म नहीं किया है यस शी हैड हाँ उसने अपना काम खत्म कर लिया है देखिए कितना ज्यादा चीज आप कम शब्दों में यहाँ पे बोल पा रहे हैं। मस्ती वर्क हार्ड क्या उन्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए नो no, देट नहीं उन्हें नहीं करनी चाहिए ठीक है यहाँ पे आप काफी सारी चीजें देख रहे हैं समझ रहे हैं आइए आगे देखते हैं अच्छा रुकिए कभी कभी सॉफ्टवेयर भी हमारे साथ खेल कर देता है और नीचे चला जाता है नेक्स्ट सेवेंटीन प्रश्नों का उत्तर दो प्रकार से दिया जा सकता है पूर्ण कंप्लीट रूप से पूर्ण रूप से या संक्षिप्त रूप से उदाहरण के रूप में डू यू रीड इंग्लिश अगर क्वेश्चन है आंसर आई रीड इंग्लिश कंप्लीट आंसर है आई डू शॉर्ट आंसर है पे आप जितना भी देख रहे हो ना ये देखिए ये ये सब क्या थे ये थे सभी शॉर्ट आंसर्स हालांकि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए और आप इस तरह से शॉर्ट आंसर देंगे तो भी लोग समझ जाएंगे इंग्लिश में लोग इस तरह से बात करते हैं आम बातचीत में संक्षिप्त उत्तरों का प्रयोग करना ठीक रहता है जब कभी हम जल्दी में होते हैं फोन पर बात करते हैं या दुकान पर ग्राहकों के प्रश्नों का उत्तर देते हैं तो संक्षिप्त उत्तर ही अधिक स्वाभाविक और अच्छे लगते हैं इससे बातचीत की गति बढ़ती है और समय की बचत भी होती है अब नीचे दिए गए वाक्यों से संक्षिप्त उत्तर वाक्य बनाइए नो आई एम नॉट गोइंग इसका क्या बनेगा नो आई एम नॉट यस आई हैव रिटर्न टू हर यस आई हैव हाँ मैंने उसके लिए लिखा था आप इसका शॉर्ट बता सकते हो यस आई हैव नो शी हैज नॉट रिप्लाई टू माई लेटर इसका क्या होगा नो शी हैजंट यस मैडम आई वोक अप अर्ली इसका शॉर्ट होगा यस yes, मैडम अब ये सब कब होगा जब आपसे कोई पूछेगा डिड यू वेक अप अर्ली आप बोलोगे यस मैडम यस आई एट चैट चार्ट कोई पूछेगा डिड यू ईट शार्ट तो बोलोगे यस yes. सिर्फ यस भी बोलोगे तो हो जाएगा या यस आई एट भी बोल सकते हो आप यस सर आई वॉज रीडिंग अ बुक वाइल्ड वॉकिंग अब इसमें आपसे कोई क्वेश्चन करेगा व यू रीडिंग अ बुक वाइल्ड वॉकिंग क्या क्वेश्चन होगा ध्यान से देखिए व यू रीडिंग अ बुक वाइल्ड वॉकिंग आपका आंसर होगा यस सर आई वॉज या सिर्फ यस yes, सर ठीक है नो आई हैड नॉट गॉन टू सिनेमा इसका शॉर्ट अब ये कब होगा कोई आपसे पूछेगा क्या तुम सिनेमा देखने गए थे तो तुम बोलोगे नहीं मैं नहीं गया था नो आई हैड या सिर्फ नो no. ठीक है नो आई शेल नॉट प्ले विल यू प्ले या शुड यू प्ले नो आई शेल नॉट नो वी शेल नॉट बी कमिंग अगेन एंड अगेन इसका शॉर्ट फॉर्म नो वी शेल नॉट अब देखिए आप यहाँ पे सोच सकते हैं कि आंसर दिया है उससे क्वेश्चन कैसे बना रहे हैं कोई बात नहीं है आई के वीडियोस में ना आंसर से क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है ये भी हम लोग सीखेंगे इसका एक शॉर्ट तरीका ये है आप यहाँ पे सेंटेंस पढ़िए नो आई शेल नॉट प्ले नहीं मुझे खेलना नहीं चाहिए ये कब होगा जब आपसे कोई पूछेगा आ, क्या तुम्हें खेलना चाहिए तब ना आप बोलोगे नहीं मुझे नहीं खेलना चाहिए No, she will not have gone. Will she have gone? No, she will not. ठीक है तो इस तरह से आप बना सकते हैं आगे देखिए नीचे दिए गए हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए फिर नीचे छपे अंग्रेजी अनुवाद से मिलान कीजिए ठीक है तो आइए हम लोग करते हैं क्या तुम जानते हो डू यू नो अब यहाँ पे हम आपको बता दे रहे हैं आप खुद से भी बना सकते हैं सेंटेंसेस फिर चेक करिए आप उसे जानते हैं क्या डू यू नो हिम क्या आप उनका पता जानते हैं डू यू नो हिज एड्रेस चोट तो नहीं आई है यू हैवन गॉट हर्ट हैव यू तुम्हें कुछ और कहना है? हैव यू एनीथिंग एल्स टू से क्या आप नाराज हैं आर यू अनोयड क्या आप बाजार जा रहे हैं आर यू गोइंग टू द मार्केट आर यू गोइंग आउट फॉर शॉपिंग क्या टमाटर ताजे हैं आर द टमाटोज फ्रेश क्या उसने तुम्हारा मकान देखा हैज ही सीन योर हाउस क्या उसका कोई पत्र आया हैज ही रिटन टू यू क्या वह आपको जानता था डिड ही नो यू क्या आपने दवा ली व यू टेकिन द मेडिसिन कुछ मिला तुम्हे क्या डिड यू गेट समथिंग मैं कुछ निवेदन करूं मे आई मेक अ रिक्वेस्ट सब ठीक ठीक है इज एवरीथिंग फाइन सब ठीक ठीक है इज एवरीथिंग फाइन क्या यह सच है इज इट ट्रू क्या वह आपको जानती है दस शी नो यू क्या अब मैं घर जाऊं मे आई गो होम नाउ क्या हम यह पत्रिका आपके लिए मंगवा दें वी गेट दिस मैगजीन फॉर यू पत्रिका का मतलब मैगजीन होता है क्या आप एक कृपा करेंगे विल यू डू मी अ फेवर आप सैर करने चलेंगे विल यू गो फॉर अ वॉक क्या यह बस मद्रास होटल रुकेगी विल दिस बस स्टॉप एट मद्रास होटल क्या उसे बुलाऊ शुड आई कॉल हिम और शुड आई कॉल ह्या उसे मिलने आऊ जाऊ क्या उसे मिलने जाऊं शुड आई विजिट हिम और हूड आई विजिट हिम शुड आई विजिट ह क्या तुम एक दिन नहीं रह सकते कांट यू स्टे फॉर अ डे क्या तुम अपनी पुस्तक एक सप्ताह के लिए नहीं दे सकते कांट यू ले योर बुक फॉर अ वीक क्या मैं प्रकाश से मिल सकता हूँ कैन आई सी मिस्टर प्रकाश देखिए यहाँ पे बहुत सारे सेंटेंसेज आप पढ़ें ये जो वीडियो है ये बहुत बड़ा था क्योंकि लेसन वन से लेसन नाइन तक आप जितना पढ़े यहाँ सारा रिविजन हम लोग किए सारा प्रैक्टिस किए इसी तरह से आगे भी करेंगे ठीक है तो जितना भी सेंटेंस आप पढ़ें इसको एक जगह पे लिखिए ताकि आप देख पाएंगे बहुत सारे वर्ड्स अभी तक आप सीख चुके हैं ठीक है आगे देखिए निर्देश इस तरह आप अंग्रेजी के कई वाक्य अपने आप बनाए आप, आप मित्रों और परिचितों के साथ इन्हें बोलने का अभ्यास कीजिए नीचे कमेंट सेक्शन में जैसे जैसे आप पढ़ते जा रहे हो लिखते जाया करो ठीक है देखो सिर्फ वीडियो देखने से अगर आपको लग रहा है कि आप इंग्लिश बोलने लगोगे तो भाबू बहुत मुश्किल है आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा ठीक है नीचे कमेंट करो अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर करो फिर उनके साथ प्रैक्टिस करो बिकॉज प्रैक्टिस से ही होगा वीडियोज देख रहे हो ठीक है चीज़ें सीख रहे हो प्रैक्टिस करोगे तो वो याद हो जाएगा हमेशा काम आएगा ठीक है अब यहाँ पे ये वीडियो हम लोग एंड करते हैं इलेवंथ वीडियो अब आपको कल मिलेगा और अगर बहुत दिन बाद आप ये वीडियो देख रहे हो तो वीडियोज़ ऑलरेडी प्लेलिस्ट सेक्शन में लाइन से आपको सब मिल जाएगा तो लाइन से पढ़िए ज़िंदगी में कामयाब बनिए खुश रहिए धन्यवाद